चाचू उठ गए। चाचू आप ये बिरयानी खाएंगे, चाचू की फेवरेट डिश बिरयानी, जो कि इनके ससुराल से आई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबको रमज़ान की रहमतें, बरकतें, नेमतें बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप लोग के लिए इस महीने को बहुत 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 मुबारक साबित करे और मेरे लिए भी बहुत मुबारक साबित करे, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। अच्छा जी, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज का व्लॉग होने वाला है हमारा सहरी टू इफ्तार तक, ठीक है, सहरी से लेके इफ्तार तक के। आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग में शामिल, मतलब आप लोग मेरे साथ व्लॉगिंग में शामिल रहेंगे। तो अभी कुछ टाइम हो रहा है, अराउंड 4 बज रहे होंगे और यहाँ पर चल रही है सहरी की तैयारियाँ। अभी मैं आप लोगों को नीचे जाके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ वगैरह तो बन गई हैं सहरी की, अब दानियाँ बना रही है लस्सी, और यहाँ भी बन रही है लस्सी। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट तैयार हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और ये पता नहीं कैसे बनती है यार इसके अंदर लस्सी। ओके, तो इसके अंदर बन रही है लस्सी वगैरह, तो सब कुछ बनी हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे, चाची को थोड़ा तंग करते हैं, देखते हैं कि चाची क्या कर रही है और क्या नहीं। तो और मेरे घर में भी पूरा आप लोग देख सकते हैं अंधेरा गुप पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक के सब सो रहे हैं, 4 बज गए हैं। हाँ, मम्मी को मैं उठाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे कौन कौन उठाए और नीचे के क्या सीन्स है, सबने कैसी इफ्तारी करनी है, सब कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ चाची के घर में मैं आ गई हूँ और यहाँ पे कोई ऐसी क्या तैयारियाँ चली हैं यहाँ पे सहरी की, मैं दिखाती हूँ। ये सहरी की बिरयानी जो कि मेरी चाची की मदर ने भेजी थी, अनीस आंटी थैंक यू सो मच। और ये सहरी के लिए दूध, अंडे, इसमें बन रही है चाय और यहाँ बन रहे हैं पराठे जो कि अभी तक बने नहीं है। सालन कढ़ाई, जब पता नहीं किस चीज़ का सालन है ये, और दही मेन चीज़ हमारे घर में, ऊपर से नीचे तक के सब लोग दही ही खाते हैं लाजमी सहरी के अंदर। और यहाँ चाचू उठ के, चाचू उठ के ना नमाज़ पढ़ते हैं, ये मोबाइल में रील्स नहीं देखते, उठ गए तो नमाज़ पढ़ लें ज़रा। तुमने क्या कर रही हो? तो मैं इबादत कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब नमाज़ पढ़ें। बहुत मज़े की बिरयानी, मैं आ गई थी यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए। मैंने बोला बाबा और अम्मी लोग ना सारी में बिरयानी खाने नहीं देते, तो फिर मैंने कहा चलो अभी खा लेते हैं बिरयानी जाकर, उसके बाद ऊपर रोटी वगैरह भी खा लेंगे लाजमी, वरना रोज़ा बहुत लगता है। नहीं, रोज़ा नहीं लगता वैसे यार इतना, आपको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में आपको रोज़ा लगता है। और हाँ, मैं एक बात तो भूलना भूल ही गई, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिए अगर अब तक नहीं करा है, और अगर बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा अगर अब तक नहीं करा है। तो जल्दी से खाते हैं हम बिरयानी अपनी मज़े मज़े की। चाचू उठ गए। चाचू आप ये बिरयानी खाएंगे, चाचू की फेवरेट डिश बिरयानी, जो कि इनके ससुराल से आई थी। खाएंगे आप बिरयानी? नहीं, उठ जाए अब आप, नींद से उठ जाए चाचू को, आप उठ चुके हैं अब। कैसा रहा आपका पहला रोज़ा? मुंह से बताएं चाचू यार, रोज़ा ऐसा लग रहा है अभी भी रोज़ा लग रहा है आपको? अभी भी आपका रोज़ा है? झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बताए ना चाचू, कैसा लगा, कैसा रहा आपका पहला रोज़ा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलें गुड हो गया। अभी भी मुझे लग रहा है टोन अच्छा। चाचू को नींद नहीं आ रही, चाचू फजूल के बस ड्रामे कर रहे हैं यहाँ पे। अभी कैमरा बंद होगा और अभी चाचू की देखना कैसे आंखें खुलेंगी। चाचू कैमरा बंद हो गया, फ्लैश लाइट जलाई हुई ऐसी, फ़ौरन फ़ौरन ड्रामे शुरू। और उठते साथ ही चाचू का फेवरेट काम मोबाइल में झांकना बस। क्या तौबा है, आप करते हैं ऐसी, आप करते हैं ऐसी, बस 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 भाई। और फिजा नींद से उठने के बाद, हाय फिजा, हाउ वाज योर फर्स्ट रोज़ा, गिव मी योर हैंड, बाद में खा लेना यार, पहले बताओ मुझे तुम्हारा पहला रोज़ा कैसा रहा? मज़ा आया? दूसरा रोज़ा भी रखना है अब? तो मेरे पास से बिल्कुल हटा दो वरना गिर जाएगी। दूसरा रोज़ा भी दानिया डरते हुए अपनी हरकतों से। और ये रही दानिया की बहुत मज़े की लस्सी, ये जिसकी भी है यार। और यहाँ पे सब इफ्तार कर रहे हैं, सॉरी 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 सहरी कर रहे हैं। देखा, मैं नींद में हूँ, पूरी रात की जागी हुई नींद में हूँ, और ये दानिया और ये बेचारी मुँह धोए बगैर आ जाती है ना, जब भी इसको डर लगता है। इसराइन यार, तुम सब नींद से उठ के कार्टून लग रहे हो कसम से, तुम दोनों। कैसा रहा आपका पहला रोज़ा? अच्छा रहा पहला रोज़ा, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो अब दूसरा रोज़ा भी रख रही हो? वेरी गुड वेरी गुड। और सहरी में है क्या है? ये रोटी छोले और लस्सी, बस सिर्फ यही है सहरी में आज।
अच्छा जी, तो आफ्टर सहरी और सब कुछ करने के बाद नमाज वगैरह भी अदा कर ली है और अब जो है हम लोग बस जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि अब वक्त हो रहा है कोई 6 बजे का आई गेस, या तो फिर पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, लेकिन अब जो है वक्त है सहरी का 5:30 हो रहे हैं और फुल थक गई मैं, क्योंकि मैं पूरी रात जागी हूँ, आँखों से मुझे पता चल रहा होगा। तो अब हम लोग सोते हैं और मिलेंगे अब हम लोग इंशाल्लाह जुम्मे के वक्त, जुम्मे की नमाज के वक्त आई गेस, थोड़ा तैयार व्यार होके क्योंकि जुम्मा है। तो जब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से आप सबको बहुत 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 जुम्मा मुबारक हो। रमज़ान का पहला जुम्मा है, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा साबित करे। और तकरीबन अब उठने के बाद मैं 2 बजे तक के उठ 2 बजे से पहले ही उठी थी, काफ़ी लेट हो गया था, और उठने के बाद नहा के नमाज़ पढ़ के अब जाके मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो नीचे चल के देखते हैं कि नीचे हो क्या रहा है। घर में तो सब नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, सब फ्री हुए हुए हैं अभी फ़िलहाल, तो नीचे चल के देखते हैं चाचू क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हाय दीना, रोज़ा है आपका जी? दूसरा रोज़ा और आपका? आपका भी दूसरा रोज़ा। नमाज़ पढ़ी आपने जुम्मे की? कैसे गुजर रहा है रोज़ा आपका? सही। और आपका लग तो नहीं रहा? सहरी में क्या खाया था? अंडा और पराठा और सालन। और तुमने? अंडा पराठा बिरयानी और सालन। अंडा पराठा बिरयानी और सालन, सही। यहाँ पे हमारे घर में अब इफ्तार की तैयारियाँ चल रही हैं, राहीन खातून काट रही हैं। आपका रोज़ा, आप पहले बताएं आपका रोज़ा कैसे रहा? अच्छा। मज़ा आ रहा है आपको? और ये बच्ची हमारे घर में रोज़े में बहुत काम करती है, और यहाँ पे जो है, जी हाँ, और यहाँ पे जो है आलू, और ये आलू जो है ये मेरे ही नाम पर, क्योंकि अम्मी ने साफ़ मना कर दिया आलू के पकौड़े बनाने से। तो राहीन आप बनानी आज आलू के पकौड़े? तो मतलब ये आलू के पकोड़े अब मुझे बनाने पड़ेंगे। और हमारे घर अभी तकरीबन, अम्मी टाइम क्या हो रहा है? 5:39। तो अभी टाइम हो रहा है 5:39 और अब मैं जा रही हूँ पकोड़े बनाने। यहाँ पे जो है फोटो सेक्शन हो रहा है भाई। वाह भाई वाह, क्या बात है दानिया भाजी आपकी। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पूरा दिन यही करना है सिर्फ इस लड़की ने। और यहाँ पे अदीना, सॉरी क्या नाम है तुम्हारा? हमजा, मैं नाम भी भूल गया। फिजा, रोज़ा लग रहा है? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग रहा है तुम्हें रोज़ा लग रहा है बहुत शदीद। मुझे नहीं लग रहा है तुम्हें रोज़ा, मुझे देख के तुम्हें लग रहा है नहीं। और रोज़े में भी कुछ भी हो कैसे भी हो, इन बच्चों ने पतंग लाजमी उड़ानी है, और तो और शोर मचाना है यहाँ पे। इतने ज़ोर से सुबह ही सुबह उठ के लोग शोर मचा रहे होते हैं। यहाँ पे दो ये पकोड़े तो मैंने बनाए, देख के ही लग रहा है क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे से हो रहे हैं। और ये वाले पकोड़े अम्मी ने बनाए, ये भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। चलें जी, तो ये पकोड़े बन गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सब कुछ नीचे लेके, क्योंकि सब साथ इफ्तार करते हैं। पकोड़े और ये पापड़, छोले, ये एक और छोले, ये एक और पापड़, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी जूस और एक और चाट। इसमें 2-3 वैरायटीज़ होती हैं हमेशा। ये एक ऑरेंज है, ये वाला जो है ये रूह अफ़ज़ा है आई गेस, और ये वाला जो है, ये वाला कौन सा, ये टैंग है शायद, पता नहीं, मैंगो है। चलो सर। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? कैसा आपका रोज़ा गुजरा? कैसा रोज़ा गुजरा? चाचू के मुंह पे माशाल्लाह नूर, रोज़े का नहीं वैसे भी चाचू के मुँह पर होता ही है। इस दफ़ा के शैतान बंद नहीं होते। चाचू आपको शैतान बोल दिया? मुझ पे ज्यादा नूर होगा, मैं असल में रोज़े में ज्यादा। चाचू आपको कैसा लगा? आपको अचानक से उठा के ले गए होंगे? हां मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं सब बताऊंगा तुम लोगों को। तुम लोगों के ऊपर क्या क्या बीतेगी, अभी रुक जाओ। जी तो इफ्तार वगैरह तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब यहाँ पे इफ्तार के बाद जो मेन चीज होती है, जिसको सबकी तलब, सबको जिसकी तलब लगती है, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, खैर हो गई। तो यहाँ पे बन रही है चाय, और चाय बनाने के बाद बर्तन भी धोने हैं बहुत सारे। इफ्तार के बाद का जो काम होता है बर्तन धोने का, कितना मुश्किल काम होता है यार वो, और वो काम मेरा है। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि यार चांद कितना खूबसूरत हो रहा है, ब्लर हो रहा है, अब वो हो रहा है पिक्सलेट हो रहा है मेरा मोबाइल थोड़ा सा, लेकिन यार चाँद देखे बस इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। आफ्टर इफ्तार चाय बहुत मज़े की, और यहाँ पे चाचू और हमजा कर रहे हैं काम, और यहाँ चल रहे हैं जीतो पाकिस्तान। हर घर में इफ्तार के बाद जीतो पाकिस्तान। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है आज एंड, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ बता दीजिएगा कि आप लोग को आज का ब्लॉग कैसे लगा। मेरा रमज़ान रूटीन मैं इंशाल्लाह दोबारा से शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।